जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी कैडेट बबीर आवाज़ जीत की जिद में। अभी के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से, और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम वगैरह लगा हुआ है। बाकी बाहर से अभी सब लोग हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है तो मैं अभी ब्लॉग बनाती हूँ। भानु जा रहा है, आईटीआई तैयार हुआ है, देखो पीछे आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो में लास्ट तक ऐसे ही बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? अभी का माहौल हमारे घर का। तो गाइस आज हमने बना रही है भटकी चुड़कियानी और विथ चटनी। तो आप लोगों को बताना है कैसी लगती है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। भटकी चुड़कियानी हमारे उत्तराखंड में ही बनती है वैसे तो। और यह है मीनू जिसने पकड़ा है हमारे हितांश को। ये रही भाभी, हितांश को कल 3 सुइयां लगी है। अच्छा तेरे को या भौको? मैं तो मेरे को कहेगी कल भी को क्या नजर लगेगी, मैं तेरे लिए गन्ना लाई रे। तो अभी हम खाते हैं खाना सुबह सुबह, मतलब जाड़ों में वैसे हम बनाते ही थे, सुबह चावल बना देते थे। तो अभी भी हमने बना रखा है, आज हमने बनाई की खिचड़ी, मतलब मम्मी मटर की बना रही थी, मटर पुलाव बना रखा है, न्यूट्रेला पड़ी है। तो हम खाना खाते हैं आज से थोड़ी देर में। आप कह रही है नूनू भाई, मैंने सिखा दिया ना, मैंने कहा पप्पू नूनू, पप्पू नूनू छोटा भाई है। इसको कल 3 इंजेक्शन लगे हैं 1.5 महीने का होने का। ए नहीं, और इसको मेरे को मत दिखाना प्लीज यार, प्लीज मीनू प्लीज यार। और इसको बहुत ही दर्द हो रहा है, इसका पैर भी सूज गया है। और वो रहे हमारे दूसरे भाई साहब, पापा बुआ अगले चीज़ लेके आना भाई। यहाँ पे भानु खा रहा है, भांग की चटनी बनाई है। और यहाँ पे हमने सुखा रखे हैं लाल मिर्च और धनिया, ये हमने अंकल की दुकान से लेके आए थे। अगर आपको भी लेनी है तो आनंदी मार्ट में संपर्क करें। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बुआ लोगों के वहाँ, थोड़ा काम था मुझे टेलर कपड़े देने के। हाय नैतिक, नैतिक तू भी तो चैनल बना रहा था अपना, यहाँ पर बुआ सिलाई कर रही है। यहाँ पे लक्ष्मी आया हुआ है और फोन में लगा हुआ है। लक्ष्मी आए बोलते बाबू, मुंह से बोलते हैं बच्चा। हाय हाय, आप सभी को बोल दे हाय गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारी जूनियर आई हुई है, हर्षिता आए बोल। तो अभी हम लोग आ रहे हैं मोमो खाने, हर्षिता को हमारे ग्वालापार के मोमो खिलाने चॉइस के वहाँ। और इन लोगों का फोटोशूट चल रहा है दोनों का, ये सीनियर है ये जूनियर है। वो आ गए हैं, कैसे हो रहे बताना। कैसे हो रहे खाली? अभी ये लोग अपना एडमिट कार्ड निकालने गए हैं, कल इन लोगों का पेपर है ना, इसलिए अभी एडमिट कार्ड निकालने गए हैं। और मैं इनके लिए यहाँ पे भी, ये मेन रोड है तो यहाँ गाड़ियाँ चलती ही रहती हैं। तो गाइस अब हम लोग घर पहुँच गए हैं और ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।